अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष इन दिनों प्रदेश के दौरे पर निकले हुए हैं। इसी के चलते आज वे जबलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को सुना। वह उनके पास पहुंचकर नियमित सफाई कर्मचारी और संविदा सफाई कर्मचारियों ने अपनी अपनी समस्याएं उनके सामने रखी और उन्होंने समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए यह जताया कि सफाई कर्मचारियों के साथ लगातार शोषण हो रहा है। इसके लिए उनकी आवाज को सरकार तक पहुँचाने का वे कार्य करेंगे। देखो, मैं अखिल भारत सफाई मजदूर कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष मगन झांझोड़ और निरंतर अखिल भारत सफाई मजदूर कांग्रेस सफाईदारों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ता रहा है। ठेका पिटता का जो है, हम 2014 से ही लगे हैं। माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार रही हो या कमलनाथ जी की, हमारी उनके एजेंडे में भी यही थी चुनाव आने से पहले के ठेका पिटता यदि समाप्त करते हो और आपके घोषणा पत्र में लेते हो। तो दोनों ही सरकारें बनी, दोनों ने बारी बारी से हमसे वादा भी किया, लेकिन सरकारें आपस में उतार चढ़ाव की वजह से हमारी ये मांग को पूर्ण कर नहीं पा पाई। तो इसलिए हमारा पुनः ये लड़ाई हम लड़ने जा रहे हैं। ठेका पिटता जो है, संविदा जो है, वो संविदा ख़त्म कराना चाहते हैं, ठेका पिटता समाप्त कराना चाहते हैं, क्योंकि ठेका पिटता से हमें कोई लाभ नहीं है। सफाई कर्मचारी ये ठेका पिटता में जाएगा तो उसके अधिकार का हनन हो रहा है। ये देखा जा रहा है कि ठेकेदार भी हैं तो ठेका पता में 7,000 रुपये 6,000 रुपये दे रहे हैं। 7,000-6,000 रुपये में आप, मैं ये एक बात बताओ, आपके माध्यम से मैं सरकार से ही पूछना चाहता हूँ, शिवराज जी से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि आज के समय में जो मल मूत्र का काम करने वाले, घृणित काम करने सफाईदार सुबह 5 बजे से उठ के अपने बच्चों को छोड़ के आने वाले जो अशिक्षित हैं, उनके बच्चे सोते रहते हैं, वो देश की जो सेवा करते हैं, प्रदेश की सेवा करते हैं, गांव कस्बों की, शहर नगर की सफाई करते हैं, और उसके बाद 5-7 हज़ार में उनका ना तो किराना आता है, ना दूध आता है, ना सब्जी भाजी, ना पढ़ाई शिक्षा उनकी, ना मौत, ना मैयत, ना उनके किसी तरह के शादी व्यवहार, बेटी व्यवहार हो पाते हैं। 7,000 रुपये में वो किस तरह अपना घर का संचालन पालन पोषण करते हैं, ये बहुत चिंता का विषय है। इस बात को लेकर हम लड़ना चाहते हैं। हमारी कम से कम 24,000 रुपये प्रति माह तनख्वाह सफाई तारती होना चाहिए। सर, पिछले दिनों जो ठेके हुए वो टोटल, उसमें ये देखा गया कि ऐसे लोग जिनका जो जात के नहीं है उनको भी शामिल करके और गिनती कराई गई है, इसके लिए आप क्या कहेंगे? देखो, ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारा। हमारे संगठन के माध्यम से हमने विधानसभा घेरी थी 2016 में, और इसके आदेश कर रहा हूँ, ये आदेश काफ़ी मैं लेके बैठा हूँ। आज मैं जबलपुर संभाग के मेरे पदाधिकारियों को देके जाऊँगा। इसमें डायरेक्ट निर्देश हैं कि जो अन्य जाति वर्ग के लोग सफाईदार वर्ग के नाम से, सफाई के नाम से नौकरी कर रहे हैं, उनको सफाई का कार्य कराया, नहीं तो उनको हटाया जाए। ये आदेश कॉपी है शासन की। अगर वो लोग काम करने आए और हमारे सफाई के कार्य में आए तो सफाई करें वो, जिस तरह हमारे लोग, हमारी माँ बहनें, हमारी कौम, हमारी समाज सफाईदार करता है, सड़कें झाड़ता है, मलमूत्र उठाता है, मरे घोड़े, गईयें, ढोर बकरियां उठाता है, इस तरह उन्हें भी करना पड़ेगा। और नहीं तो ये ऑर्डर हो चुका है, इसका पालन करें नगर पालिका निगम सभी। सर, समाज के बच्चे जो हैं पढ़ लिख के आगे बढ़ गए, लेकिन ठेके उनको दिए जाते हैं जो प्राइवेट और जाति के लोग हैं। तो कोई ठेका पिटता का तो हम विरोध करते हैं, हमें कोई ठेका मेका यहाँ तो होना नहीं चाहिए। ठेका कहाँ होता है ये समझ में आना चाहिए पहले। तो ठेका वहाँ होता है वहाँ पे दिहाड़ी मजदूर, जहाँ पे हमें ज़रूरत होती है, जहाँ पे ऑलरेडी नगर पालिका निगम नहीं है या पंचायत नहीं है, और वहाँ नौकरी नहीं कर रहा, लोगों को रखा ही नहीं है। यहाँ तो जबलपुर के अंदर, संभाग के अंदर जितनी नगर पालिका तहसीलें या ज़िले हैं उनमें ऑलरेडी सफाईदार खुद ही भर्ती है, काम कर रहा है, तो वहाँ ठेका पिटता की ज़रूरत ही क्यों? सर, फिलहाल तो ये अभी जो ठेके चल रहे हैं, 3-3, 4-4 महीने मजदूरों की पेमेंट नहीं होती है सफाई कर्मियों की, उनके लिए क्या करेंगे आप, क्या आगे क्या आपकी? देखो, हम कल से यहाँ आए हैं, हमारा दौरा है जबलपुर संभाग का। हम यहाँ से अभी मंडला और सिवनी और छिंदवाड़ा भी पहुँचेंगे। हमने यहाँ सुना, कल रात के हमारी चर्चा हुई, आज भी अभी चर्चा में हैं हम लोग। यहाँ पे ठेका पिटता सिर्फ जबलपुर संभाग में देख रहा हूँ, अभी तो मध्य प्रदेश में मैंने कहीं ठेका पिटता नहीं होती है, और यहाँ हुई है तो मेरे लोगों ने वहाँ विरोध किया है, मेरे संगठन के माध्यम से, और उसका विरोध हुआ है तो वहाँ ठेका पिटता लागू नहीं की। लेकिन जबलपुर के अंदर है तो इसके लिए मैं ये ऑर्डर भी लाया हूँ और आदेश, और जो आगामी आदेश जो हमारा होगा प्रदेश का कार्यकारिणी का, जो आदेश 10 तारीख को जो हमने 1-10 को बैठक ली है, उसमें ठेका पिटता पूर्ण रूप से समाप्त करने की मांग सर्वप्रथम है हमारी, और ये हम लड़ने जा रहे हैं, इसकी तैयारी कर रहा हूँ, उसको सीएम हाउस को घेरने की तैयारी है। माननीय मुख्यमंत्री जी का निवास घेरा जाएगा। थैंक यू सर।
ये अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस ट्रेड यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष मंगललाल झांझोड़ जी प्रदेश दौरे पे निकले हुए हैं। जितने भी सफाई कर्मचारी हैं उनकी समस्याओं को देखने कि सफाई कर्मचारियों की क्या समस्या है, तो पूरे प्रदेश भर में ये हमारे अध्यक्ष महोदय जी निकले हुए हैं। उसी विषय में आज भी जबलपुर झरोका होटल में रुके हुए हैं, सफाई कर्मचारियों की समस्या सुनो। उसी तरीके से बड़ी सी बड़ी संख्या में संविदा कर्मचारी, नियमित कर्मचारी आकर अपनी समस्याओं को दर्ज करा रहे हैं यहाँ पर। तो उनकी बातों से संविदा सफाई कर्मचारी और नियमित कर्मचारियों की बातों से प्रदेश अध्यक्ष को ये ज्ञात हुआ है कि उनके साथ सच में शोषण हो रहा है। प्रदेश अध्यक्ष ने अभी हमें आश्वासन दिया है कि इस लड़ाई को हम प्रदेश स्तर में शासन और प्रशासन ये दोनों से लड़ना पड़ा तो दोनों से ही लड़ेंगे। इसी की तैयारी में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं। किस तरह की समस्या आ रही सफाई कर्मचारी? जैसे कि संविदा कर्मचारियों का वेतन बहुत अधिक कम, ठेकेदारी कर्मचारियों से भी ज़्यादा कम वेतन मान में, 7,000 वेतन मान में पक्के नियमित कर्मचारियों के बराबर का कार्य कराना, कोई सुविधा नहीं देना। अब 7,000 रुपये में आज के समय में क्या होता है, जो संविदा कर्मचारी अपने बच्चों का पालन पोषण करे तो करे कैसे। तो दूसरी ठेकेदारी प्रथा जो पूर्ण रूप से उसका विरोध हम हमारे प्रदेश अध्यक्ष हमारी ट्रेड यूनियन कांग्रेस करती है, उसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। और इस बार हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हमारे जबलपुर से संविदा कर्मचारी नियमित कर्मचारियों ने पूरा प्रण कर लिया है कि इस बार हम लोग एकजुट होकर पूरे प्रदेश भर में इसके खिलाफ आंदोलन करें। नाम बताओ। मैं अजय पसेरिया, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का जिला अध्यक्ष।